हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू निंजा प्रेप। तो पहले वाला जो लेक्चर हुआ था क्लासिकल मैकेनिक्स का L1 लेक्चर नंबर 1 में हमने ये बात कर ली कि कंस्ट्रेंट क्या होते हैं, कंस्ट्रेंट के क्लासिफिकेशन की हमने बात की थी, हमने बात कर ली कि डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, और उसके बाद लास्ट हमने बात की थी जनरलाइज कोऑर्डिनेट क्या होते हैं। जैसा कि हमने जाना कि जनरलाइज कोऑर्डिनेट मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट पैरामीटर्स हैं, मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट पैरामीटर्स हैं जिनकी हेल्प से हम डायनेमिक सिस्टम को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, हेल्प से डायनेमिक सिस्टम को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स कहते हैं। जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स को हमने जनरलाइज क्यों कहा, जनरलाइज का मतलब होता है व्यापक। व्यापक हमने क्यों कहा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हम यानी कि जो क्लासिकल मैकेनिक्स है ये अलग अलग मैकेनिक्स को, रोटेशनल मैकेनिक्स को, ये ट्रांसलेशनल मैकेनिक्स को, ये ट्रांसलेशन मोशन को, रोटेशनल मोशन को, सबको एक नज़रिए से देखना चाहते हैं। मैं आपको इसका एग्जांपल भी दिया था, जैसे हमारे यहाँ पर कास्ट बेस्ड सिस्टम, कोई यादव है, कोई राजपूत है, कोई जाट है, कोई अग्रवाल है, कोई कुछ है, तो वो डिपेंड करता है देखने वाले के नज़रिए पर। किसी को सब एक जैसा नज़र आता है, सब एक दिखाई देते हैं, वो डिस्क्रिमिनेट नहीं करता है, किसी को सब अलग अलग नज़र आते हैं। क्लासिकल मैकेनिक्स जो है वो इनमें डिफ्रेंशिएट नहीं करना चाहती, वो ये नहीं चाहती कि वो रोटेशनल मैकेनिक्स के लिए अलग से काम किया जाए, वो ये नहीं चाहती कि वो ट्रांसलेशन के मोशन के लिए अलग से काम किया जाए, यानी कि ट्रांसलेशन मोशन में अलग कोऑर्डिनेट्स चल रहे हैं, रोटेशनल में अलग चल रहे हैं, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में अलग कोऑर्डिनेट चल रहे हैं, जनरलाइज कोऑर्डिनेट में अलग कोऑर्डिनेट, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में अलग कोऑर्डिनेट चल रहे हैं, इतने सारे कोऑर्डिनेट्स कौन याद रखे, इसलिए जनरल कोऑर्डिनेट्स के नाम दे दिए गए। जैसे क्यू आई जिसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, जो कि बन जाता है Q1, Q2, Q3 बन जाता है। ये बातें हमने कर ली थी लास्ट लेक्चर। आज हम इसके आगे का डिस्कशन करेंगे, यानी कि सबसे पहले हम जो जनरलाइज डिस्प्लेसमेंट है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, फिर हम फाइंड आउट करेंगे जनरलाइज एक्सेलरेशन, जनरलाइज वेलोसिटी, जनरलाइज मोमेंटम और जनरलाइज फोर्स। ये जो हम करेंगे इनमें से कोई भी एक आपको पूछ लिया जाता है, इनका डेरिवेशन आप लोगों से पूछ लिया जाता है कि जनरलाइज फोर्स का क्या होता है, उसका डेरिवेशन करके बताओ, मोमेंटम पूछ लिया या एक्सेलरेशन पूछ लिया या वेलोसिटी, ठीक है। तो इस लेक्चर को जब आप स्टार्ट करो तो उसके पहले वाला लेक्चर आप लोगों का क्लियर होना चाहिए। मैं जो ये वर्ड यूज़ कर रहा हूँ बार बार जनरलाइज, इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है, ताकि अभी मैंने आपको एक ब्रीफ आइडिया दे दिया है, फिर भी आप इसको लास्ट लेक्चर पर ज़रूर देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ जनरलाइज कोऑर्डिनेट की, तो जनरलाइज कोऑर्डिनेट की अगर मैं बात कर रहा हूँ, जनरलाइज कोऑर्डिनेट के केस में जनरलाइज कोऑर्डिनेट के केस में मैंने पोजीशन वेक्टर इन जनरलाइज कोऑर्डिनेट, पोजीशन वेक्टर जनरलाइज कोऑर्डिनेट का फंक्शन होगा, पोजीशन वेक्टर इज द फंक्शन ऑफ इसी का मतलब हो गया जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स इन टाइम। मैंने ऐसे लिख दिया, इसको लिख दिया पोजीशन वेक्टर को मैंने फंक्शन के फॉर्म में लिख दिया। ये कैसे किसका फंक्शन हो गया, Q1, Q2, Q3 एंड सो ऑन, और ये कहाँ तक चला है, ये चला होगा Qn तक या Qk तक, मतलब जो भी आपने लिया होगा, और ये टाइम का भी फंक्शन हो, इसको हमने इस तरह से लिख लिया। नाउ वी वांट टू फाइंड आउट वैल्यू ऑफ जनरलाइज डिस्प्लेसमेंट। अब हम वैल्यू निकालना चाहते हैं जनरलाइज डिस्प्लेसमेंट की जो वैल्यू है उसको हम किस तरह से लिखेंगे। सबसे पहला जो मैं डेरिवेशन करने जा रहा हूँ मैं जनरलाइज डिस्प्लेसमेंट का मैं जब डेरिवेशन करूँगा मैं इस चीज़ का यूज़ करूँगा, यानी कि ये पोजिशन वैक्टर को जो मैंने जनरलाइज कोऑर्डिनेट के फंक्शन में और टाइम के फंक्शन के लिखा है, तो इस इक्वेशन फर्स्ट को मैं पार्शियली डिफरेंशिएट करूँगा इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट को जब आप पार्शियली डिफरेंशिएट करोगे तो आपके पास क्या बनेगा, आपके पास बनेगा डेल आर इक्वल्स टू, आप इसको लिख सकते हो डेल आर अपॉन डेल क्यू वन, ये डी क्यू वन, ठीक है, ये क्या हो गया डी क्यू वन या कर्ली क्यू वन भी लिख सकते हो, इधर बनेगा डेल आर अपॉन डेल क्यू टू, और इसको लिख सकते हो डी क्यू टू प्लस एंड सो ऑन, ये कहाँ तक चलेगा, एन तक चलेगा, डेल आर ऑन डेल क्यू एन डी क्यू एन
इसी तरह से लास्ट जो हो जाएगा आपका वो हो जाएगा टाइम के लिए। टाइम के लिए क्या बनेगा, डेल आर ऑन डेल टी, और ये हमारे पास इक्वेशन बन गई है। ठीक है, तो ये जो वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट को हम एल्जेब्रिक समेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, मैं एक जनरल टर्म ले लूँ क्यू आई, आई की वैल्यू को वेरी करा दूँ कहाँ से, आई से लेकर और के तक या एन तक। ये जो टर्म है इसको फिर हम लिख सकते हैं एल्जेब्रिक समेशन आई इक्वल्स टू वन से लेकर एन तक मैं लिखूँ, ये क्या बनेगा, ये बनेगा डेल आर अपॉन डेल क्यू आई, ना डेल क्यू आई, हाँ क्या हो जाएगा डी क्यू आई, ये बन जाएगा। प्लस ये सेकेंड टर्म जो रहेगा वो क्या रहेगा, डेल आर अपॉन डेल टी और डी, को लिख दिया मैंने इक्वेशन। ठीक है, तो ये इक्वेशन के अंदर कोई भी फिजिक्स हमने नहीं लगाई है, इसके अंदर प्योर मैथमेटिक्स लगी है। आपको जो मैथमेटिकल फिजिक्स में आपने बेसिक मैथमेटिक्स के रूल पढ़े थे, या डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, तो मैं डिफरेंशिएशन की बात कर रहा हूँ, डिफरेंशिएशन के जो बेसिक रूल हैं वो आपको लगाने हैं। अब यदि मैं ये कह दूँ कि टाइम जो है वो नेग्लिजिबल है, यानी कि जो डी टी है उसको आप जीरो मान सकते हैं, अगर मैं ऐसा कह दूँ, इफ चेंज इन टाइम इज नेग्लिजिबल है during the measurement, तो क्या होगा, जो डी टी है उसकी वैल्यू हो गई जीरो। डी टी की वैल्यू जीरो हो गई तो इक्वेशन जो सेकंड है जो हमने इस तरह से लिखी हुई थी तो हम कैसे लिख सकते, तो द इक्वेशन सेकंड कैन बी रिटन एज इक्वेशन सेकंड को हम कैसे लिख सकते हैं, डेल आर इक्वल्स टू एल्जेब्रिक समेशन आई की वैल्यू वन से और तक, डेल आर अपॉन डेल क्यू आई, और क्यू आई खाली है डॉट नहीं है, क्यू आई, और हाँ क्या बनेगा डी क्यू आई। वो जो टर्म था डेल आर अपॉन डेल टी वो क्या हो गया, जीरो हो गया, इसको लिख दिया मैंने इक्वेशन थर्ड। और जो ये हमारे पास टर्म बना है, ये पूरा में ये वाला जो टर्म है, ये वाला, इसको हम नाम देते हैं, क्या नाम देते हैं, जनरलाइज डिस्प्ले। ये जो टर्म बना है इसको हम क्या नाम देते हैं, जनरलाइज्ड। इन चीज़ों को ना आपको भूलना नहीं है, क्योंकि आप जैसे जैसे डेरिवेशन टू डेरिवेशन आगे बढ़ोगे तो आपको ये चीज़ें याद होनी चाहिए। याद क्या होनी चाहिए, मतलब आपको लिंक करना आना चाहिए, याद तो इनको करना थोड़ा मुश्किल काम होता है। तो जनरलाइज, ये हमारे पास वैल्यू आ गई है जनरलाइज डिस्प्लेस। वैल्यू आ गई जनरलाइज डिस्प्ले, ये इक्वेशन हमें काम आई है आगे। अब यहाँ हमारे पास जनरलाइज डिस्प्लेसमेंट आ गया, अब हमें क्या निकालना है, जनरलाइज वेलोसिटी। जनरलाइज वेलोसिटी के लिए हम क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन आई थी हमारी आर वाली, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट। हमारे पास जो इक्वेशन आई थी टाइम वाली को हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे किसके रेस्पेक्ट में, टी के रेस्पेक्ट। यानी कि कौन सी इक्वेशन, ये जो इक्वेशन बनी थी ये वाली, इसको मैं टाइम के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट, और जनरलाइज वेलोसिटी मैं लिख रहा हूँ क्या, जनरलाइज वेलोसिटी। सेकेंड, अब मैं डेरिवेशन करने वाला हूँ किसका, जनरलाइज वेलोसिटी, जनरलाइज वेलोसिटी का डेरिवेशन करने के लिए सबसे पहले तो मैंने क्या किया, ये जो इक्वेशन है इसको एज इट इज़ लिख दिया, ये वाली इक्वेशन को एज इट इज़ उतार दो, क्या बनेगा, डेल आर इक्वल्स टू डेल आर अपॉन डेल क्यू वन डी क्यू वन, प्लस डेल आर अपॉन डेल क्यू टू क्यू टू, और ये चल रही है एन तक, अगर डेल आर अपॉन डेल क्यू एन और डी क्यू एन, ये क्या है डी आर अपॉन एल टी, ये लिख दिया मैंने लास्ट तक। ठीक है, डी टी आया था क्या, ये इक्वेशन जो है हमने लास्ट तक लिख दी। अब इसको हम क्या करेंगे, टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे, जो इक्वेशन आई है तो टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू टाइम, हमने टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट, क्योंकि हमें क्या बनानी है, वेलोसिटी।
वेलोसिटी कब बनेगी, जब पोजीशन को किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे, टाइम के रेस्पेक्ट, क्या बनेगा, बनेगा डेल आर अपॉन डेल टी, तो आप क्या लिख सकते हो, डेल आर डॉट का मतलब वेलोसिटी बनेगा। ये जो है इसमें आप लगाओगे चेन रूल, चेन रूल लगाने का मतलब क्या है कि डेल आर अपॉन डेल क्यू, यहाँ क्या लिख दोगे आप, डी क्यू वन अपॉन डी टी, इसको ऐसे लिख दिया डी क्यू वन अपॉन डी टी या डेल टी भी लिख सकते हो, ठीक है। और फिर यहाँ क्या लिख दिया आपने, डेल आर अपॉन डेल क्यू टू, इधर लिख दिया डी क्यू टू अपॉन, इसी तरह से एन तक चलेगा, तो ये बनेगा डेल आर अपॉन डेल क्यू एन, ये लिखा गया डी क्यू एन अपॉन डी टी, प्लस ये डी टी से डी टी का डिफरेंशिएशन हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, डेल आर अपॉन डेल टी, यहाँ क्या बचेगा, डेल आर अपॉन डेल टी, ये हमारे पास वैल्यू बन। अब हम क्या करेंगे, ये जो वैल्यूज है, ये वाली वैल्यू, ये वैल्यू आई, ये डेल क्यू वन जो था या डेल क्यू टू जो था या डेल क्यू एन जो था, क्यू आई जो कोऑर्डिनेट बना था यहाँ पर, और ये जो कोऑर्डिनेट बना था डी क्यू आई, इसको हमने कहा था जनरलाइज डिस्प्ले। अब इसी कोऑर्डिनेट का हमने वेलोसिटी के रेस्पेक्ट में वैल्यू लिखी हुई है, तो ये वेलोसिटी के रेस्पेक्ट में वैल्यू लिखी हुई है, तो ये क्या बन जाएगी, जनरलाइज वेलोसिटी। पहले इसको इकट्ठा करके अगर हम लिखें तो इस इक्वेशन को हम कैसे लिख सकते हैं, इस इक्वेशन को हम अलजेब्रिक समेशन आई की वैल्यू वन से ये बना डेल आर अपॉन डेल क्यू आई, यहाँ क्या बना डेल क्यू आई अपॉन डी टी, फिर ये क्या बना, ये बन रहा है इधर डेल आर अपॉन डेल टी, इस तरह से हमने पीछे वाले केस में था, ऐसे ठीक वैसे ही इस वैल्यू को यहाँ पर भी हम लिख, अगर इस वैल्यू को हम यहाँ पर लिख सकते हैं ऐसे, तो ये जो टर्म बन रहा है ये वाला, ये क्या हो रहा है, जनरलाइज डिस्प्लेसमेंट का टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट, ये जो टर्म बन रहा है इसको मैंने लिखा क्यू आई डॉट, क्या लिखा है क्यू आई, ये जो टर्म है क्यू आई डॉट, ये क्यू आई डॉट ये क्या कहलाएगा, जनरलाइज वेलोसिटी, ये क्या कहलाएगा, जनरलाइज वेलोसिटी। ओवरऑल जो इक्वेशन बनेगी ये आर वेक्टर की, ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, ओवरऑल इक्वेशन देखा जाए तो डेल आर डॉट इक्वल्स टू एलजेब्रिक समेशन आई इक्वल्स टू वन से लेकर एन तक, ये बन रहा है डेल आर वेक्टर या डेल आर ऑन डेल क्यू आई ना, और यहाँ पर बन रहा है डी क्यू आई डॉट, ध्यान रखना डी क्यू आई डॉट, आई डॉट डॉट का मतलब है वेलोसिटी, ये क्या बन रहा है प्लस डेल आर अपॉन डेल, तो यहाँ पर ये डेल क्यू आई डॉट जो है ये बन गई जनरलाइज वेलोसिटी, अगर ये टाइम से इंडिपेंडेंट हो, ठीक है, अगर ये इक्वेशन टाइम से इंडिपेंडेंट होती, कौन सी इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन, अगर टाइम से इंडिपेंडेंट होती, यानी कि पोजिशन वैक्टर अगर टाइम से इंडिपेंडेंट होता, इफ नोट लगा के लिख दे, इफ पोजिशन वैक्टर, पोजिशन वैक्टर कौन है, आर, पोजिशन वैक्टर आर इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, ये जो इक्वेशन है हमारी, ये इक्वेशन बन जाती डेल आर डॉट, और ये बनता आई की वैल्यू वन से एन तक, ये होता डेल आर वैक्टर अपॉन डेल क्यू आई, यहाँ लिखा जाता डी क्यू आई डॉट, ये इक्वेशन हमारी बन जाती, ये डेरिवेशन जो ये वाला फैक्टर है ये हमारे बहुत काम आने वाला है जब हम वैल्यू निकालेंगे किसकी, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन के केस में काम आने, ये जो चीज़ है ये वाली चीज़, ये क्या कहलाएगी, जनरलाइज वेलोसिटी, जनरलाइज्ड, अब ये जो जनरलाइज वेलोसिटी आई है, जनरलाइज जो डिस्प्लेसमेंट आए हैं, हम ये ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि इनकी जो डायमेंशन है वो कुछ भी हो सकती है, इनकी यूनिट्स जो है वो कुछ भी हो सकती है, ठीक है। ट्रांसलेशन मोशन के केस में जनरलाइज जो कोऑर्डिनेट है, जनरलाइज डिस्प्लेसमेंट है, उसको लिखा जाएगा एक्स से या फिर वाई से या फिर थीटा जेड से। इसी तरह से रोटेशनल मोशन के केस में जो जनरलाइज कोऑर्डिनेट है क्यू या जनरलाइज डिस्प्लेसमेंट है क्यू, उसको लिखा जाएगा थीटा से फाई से, यानी कि जो भी एंगल है उसके बेस पर लिखा जाएगा। इसी तरह से जनरलाइज वेलोसिटी को ट्रांसलेशन के केस में लिखा जाएगा यू डॉट वी, यू लिखा जाएगा या वी लिखा जाएगा या डब्ल्यू लिखा जाएगा, जबकि अगर हम बात करें रोटेशनल मोशन की, रोटेशनल मोशन के केस में इसकी वैल्यू होगी ओमेगा, कि ओमेगा बराबर क्या होता है डी थीटा अपॉन टी, हर केस में हमारे पास ये अलग अलग वेलोसिटी आएगी, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ जनरलाइज
इन ट्रांसलेशनल मोशन। सबसे पहले तो लिख देता हूँ, इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट जनरलाइज वेलोसिटी हैव डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी, इज नॉट नेसेसरी दैट जनरलाइज्ड वेलोसिटी एज द डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी, एज द डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी इवन जनरलाइज्ड डायमेंशन, तो जनरलाइज डिस्प्लेसमेंट है, जरूरी नहीं कि उसकी डायमेंशन भी लेंथ की डायमेंशन हो, तो हर कोऑर्डिनेट सिस्टम में अलग अलग होगी। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए, फॉर एग्जाम्पल इन द केस ऑफ ट्रांसलेशन मोशन, इन द केस ऑफ ट्रांसलेशन मोशन, ट्रांसलेशन मोशन, तो हमने निकाला क्यू आई डॉट, यानी कि जनरलाइज वेलोसिटी डॉट, ये क्या हो सकता है, ये यू हो सकता है, ये वी हो सकता है, ये जबकि रोटेशनल के लिए और रोटेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन, ये जो क्यू डॉट है तो हमने लिखा है ये किसके बराबर होगा, ओमेगा। इसी तरह से अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो लीनियर मोशन के लिए, ट्रांसलेशन के लिए वो एक्स हो सकता है, वो वाई हो सकता है, वो जेड हो सकता है, परंतु अगर मैं रोटेशनल की बात करूं या किसी और कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात कर लूं तो उसमें वो थीटा चला जाएगा, फाई चला जाएगा, यानी कि कोई भी एंगल चला जाएगा। इसलिए ये जरूरी नहीं है कि जो जनरलाइज्ड डिस्प्लेसमेंट आ रहा है उसकी डायमेंशन लेंथ की डायमेंशन हो, वो डिपेंड करेगा कि कौन से कोऑर्डिनेट में है। तब अगर वो ट्रांसलेशन सिस्टम में है तो उस केस में उसकी डायमेंशन वही चलेगी जो लेंथ की है, अगर वो रोटेशनल में आ गया तो उसकी डायमेंशन जो है वो चेंज हो जाएगी, क्योंकि उसकी अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया तो वो रेडियन में चलेगा। तो इस तरह से डिपेंड करेगा कोऑर्डिनेट सिस्टम के ऊपर या कौन सी मोशन आप यूज ले रहे हैं उसके अंदर जो है इनकी डायमेंशन है, इनकी जो वेलोसिटी, जो इनकी यूनिट्स है वो क्या हो जाएगी। अभी तक हमने दो चीज़ों के ऊपर बात कर ली, एक हमने बात कर ली जनरलाइज डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, जनरलाइज डिस्प्लेसमेंट का जो ये इक्वेशन है ये हमने ड्राइव की और इसमें हमने ये जाना कि जनरलाइज डिस्प्लेसमेंट क्या है। फिर हमने बात की जनरलाइज वेलोसिटी की, जनरलाइज वेलोसिटी की डेरिवेशन के लिए हमें ज़रूरत पड़ी किसकी, जो आर पोजिशन वेक्टर है और जनरलाइज डिस्प्लेसमेंट। अब हम बात करेंगे किसकी, जनरलाइज एक्सेलरेशन। जब मैं जनरलाइज एक्सेलरेशन की बात करूँगा तो हमें ज़रूरत पड़ने वाली है किसकी, जनरलाइज वेलोसिटी। ठीक है, अब मैं बात करने वाला हूँ जनरलाइज जनरलाइज्ड जनरलाइज एक्सेलरेशन के लिए मैंने कहा आपको मैं पोजीशन वेक्टर का जो हमने वेलोसिटी वाला फॉर्म निकाला था उसकी ज़रूरत पड़ेगी, उसको मैं लिख लेता हूँ एज इट। तो वी नो दैट हम क्या जानते हैं, हम ये जानते हैं आर वेक्टर आया था बराबर आया था आई इज वन, ये बना था डेल आर वेक्टर अपॉन डेल क्यू, यहाँ बना था डी क्यू आई डॉट, और अगर डिपेंड कर रहा है पोजीशन वेक्टर टाइम के ऊपर तो ये लिखा हुआ था डेल आर अपॉन डेल टी। यहाँ से नई इक्वेशन स्टार्ट कर रहे हैं, इसको लिख दिया मैंने इक्वेशन नंबर फर्स्ट, क्या लिख दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हमें क्या निकालना है एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन निकालना है तो वेलोसिटी को क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट, तो इसको डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू टाइम, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टाइम, तो हम टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। ये सीधी सी बात है, ये हो जाएगा आर डबल डॉट, इसका जो डिफरेंशिएशन होगा यू वी मेथड से होगा, यू वी मेथड से, यानी कि एक बार इसको करोगे एक बार इसको करो, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये कांस्टेंट, तब इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये कांस्टेंट। ठीक है, अब ये डिफरेंशिएशन की बेसिक टेक्निक्स आपको पता होनी चाहिए, ये पता होंगी तो आपका काम आसान हो जाएगा, और ये अलग से डिफरेंशिएशन हो जाएगा इसका। इसको टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो मैं लिख रहा हूँ आई इक्वल्स टू वन से, तो जब डिफरेंशिएट करोगे तो ये क्या बनेगा, पहले इसको डिफरेंशिएट करूँ, इसको डिफरेंशिएट करूँगा तो ये क्यू डबल डॉट हो जाएगा, लिखा रहेगा डेल आर वेक्टर अपॉन डेल क्यू आई, ये हो जाएगा डी क्यू आई, मैं एक बार इसको डॉट करके आपको दिखाऊँ डिफरेंस, मैंने डी टी, ठीक है, इसको क्या लिख दिया डी टी,
और उसके बाद अब इसका करना है दूसरे वाले का। दूसरे वाले का करोगे तो इसको लिखा मैंने डी टी, ये अलजेब्रिक समेशन इसमें पूरे में चल रहा है, तो लिखा मैंने डी अपॉन डी टी, डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ मैं इसका, तो लिख दिया डेल आर अपॉन डेल क्यू आई, ये ऐसा कैसा लिखा हुआ है यानी कि डी क्यू, ये वाला टर्म जो है इसका अलग डिफरेंशिएशन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा डी अपॉन डी टी और डेल आर अपॉन डेल, ये। अब यदि वही वाली कहानी की पोजीशन वेक्टर टाइम पर डिपेंड नहीं कर रहा, ये वाला जो टर्म है इसको हम क्या कर देंगे, हटा देंगे। अगर पोजीशन वेक्टर जो है टाइम पर डिपेंड नहीं कर रहा है तो ये टर्म हो जाएगा, हट जाएगा। ये जो चीज़ लिखी हुई है ये वाली, ये क्यू आई डॉट का टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा, इसको हम क्या लिख देंगे क्यू आई डबल डॉट, इसको हम क्या लिख देंगे क्यू आई डबल डॉट, बाकी ये चीज़ ऐसी लिख रहेगी। तो हमारे पास ये वाला टर्म बच जाएगा, मैं यहाँ से इसको क्या कर रहा हूँ, नेगलेक्ट कर रहा हूँ, सेलेक्ट कर रहा हूँ, मैं ये मान रहा हूँ कि पोजीशन वेक्टर डज नॉट डिपेंड ऑन टाइम, डिपेंड ऑन टाइम। हमारे पास क्या रह जाएगा, ये रह जाएगा खाली, ये रह जाएगा, तो हमारे पास क्या इक्वेशन बनेगी, हमारे पास बनेगी आर डबल डॉट इक्वल्स टू अलजेब्रिक समेशन आई इक्वल्स टू वन से, एक तो बनेगा तुम्हारे पास डी अपॉन डी टी एल आर, एल आर वेक्टर अपॉन एल क्यू आई, ये बनेगा डेल डी क्यू आई डॉट, बनेगा डी क्यू आई डॉट, प्लस दूसरा तुम लोगों के पास बन जाएगा डेल आर एल, हाँ बन जाएगा क्यू एल डॉट, ये हमारे पास इक्वेशन, ये इक्वेशन बन गया। पर हमने ये देखा कि जो R की वैल्यू है यहाँ पर, मैंने कहा तो आपको ये काम आएगी, यहाँ से डेल R डॉट की जो वैल्यू है वो क्या है, डेल R अपॉन डेल क्यू आई डी, ये कहाँ काम आएगी आपको, देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है डेल R अपॉन डेल क्यू आई, ये जो वैल्यू है डेल R अपॉन ये वाली, जब आप इसको लिखोगे तो आप D अपॉन डी टी क्या कर रहे हो, डेल R वैक्टर अपॉन डेल क्यू, इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो डेल आर डॉट, डेल आर डॉट बन जाएगा, ये वैल्यू क्या हो जाएगी डेल क्यू, ये जो आर डॉट बना है इस आर डॉट की वैल्यू मैं कहाँ से लाऊंगा, इस आर डॉट की वैल्यू लाऊंगा मैं यहाँ से, डेल आर डॉट को मैं क्या लिख सकता हूँ, यानी कि ये जो वैल्यू बन रही होगी मेरी वाली वैल्यू, तो मैं क्या लिखूंगा वन अपॉन डेल क्यू आई, डेल आर की जो वैल्यू है पूरी की पूरी वैल्यू मैंने उतार दी, क्या लिखा आई इक्वल्स टू वन से लेकर एन तक, डेल आर की जो वैल्यू आई थी कितनी थी, डेल आर अपॉन डेल क्यू आई डी क्यू, ये पूरी की पूरी वैल्यू लिख दी, ये लिख दिया डेल आर अपॉन डेल क्यू डी क्यू आई, यानी कि जो वेलोसिटी का फॉर्म बना था उसको मैंने यहाँ पर लिख दिया। ये बात समझ में आ गई क्या, कैसे लिखा, यही चीज़ मैं यहाँ पर लिखने वाला हूँ, यही चीज़ को मैं यहाँ पर कर दूंगा, सब्स्टिट्यूट कर दूंगा पूरी वैल्यू की जगह ये वाली वैल्यू, सिर्फ ये वाली वैल्यू की जगह ये वैल्यू यहाँ पर लिख, ये वैल्यू जब मैं लिखूंगा तो क्या इक्वेशन बनेगी वो देख, आर डबल डॉट ये क्या बना आई की वैल्यू वन से एन, यहाँ पर एक एलजेब्रिक समेशन और आ रहा है तो ये एलजेब्रिक समेशन आ गया, आई की वैल्यू वन से लेकर एन, ये d अपॉन डी आर की जगह आपने क्या लिख दिया, आपने लिखा एल आर अपॉन एल क्यू आई, और ये डी क्यू आई डॉट है, डी क्यू आई डॉट ऑलरेडी लिखा हुआ है, आई डॉट ऑलरेडी लिखा हुआ है पहले से, आई लिख लो एक को j लिख लो, तो यहाँ पर आप लिख लो j, दोनों सेम मत करो, इसको लिख दो j, दूसरे वाले को लिख दो j, इसको लिख दो आप j, इसको इस वाले को आप लिख दो j, यहाँ हो जाएगा j, यहाँ हो जाएगा जे, ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया जे, एक हो जाएगा जे और एक हो जाएगा आई, एक बन गया ये, और ये वाला जो टर्म है ये ऐसा कैसा रहेगा, तो ये क्या बनेगा डेल आर अपॉन डेल क्यू, ये क्या बना है क्यू आई डबल डॉट, ठीक है। यहाँ तक मेरे हिसाब से सबको समझ में आ गया होगा, किसी को कोई दिक्कत परेशानी। अब क्या करना है, अब जो हमारे पास वैल्यू लिखी हुई है इसकी R की वैल्यू लिख दी ना हमने, डिफरेंशिएशन भी तो करना है,
अभी तो हमने वैल्यू लिखी, अच्छा एल क्यू नहीं लगाया और ये भी डेल क्यू आई डॉट डेल, इसकी जो वैल्यू लिखी जाएगी वो क्या लिखी जाएगी, डेल टू आर अपॉन डेल क्यू आई क्यू जे, ए है और एक आई है, तो फाइनल वैल्यू बनेगी वो क्या बनेगी, समेशन आई इक्वल्स टू वन समेशन जे इक्वल्स टू वन से एन, ये क्या बनेगा डेल टू आर अपॉन डेल क्यू आई डेल क्यू जे, ये बन जाएगा डी क्यू आई डॉट, ये बन जाएगा डी क्यू जे डॉट, प्लस ये बनेगा डेल आर अपॉन डेल क्यू आई, ये बन जाएगा क्यू आई डबल। तो इसमें जो जनरलाइज एक्सेलरेशन है वो तो है, ये जनरलाइज एक्सेलरेशन है तो है, बन चुका है ऑलरेडी पहले ही जनरलाइज एक्सेलरेशन। ये पूरा एक आर जो हमने पोजीशन वेक्टर लिया हुआ था, उस पोजीशन वेक्टर के लिए किसकी वैल्यू आ गई, ये पूरी की पूरी पोजीशन वेक्टर के लिए एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई, ठीक है। ये जो इक्वेशन है में जो फर्स्ट पार्ट है, दो पार्ट है, फर्स्ट पार्ट जो है इस इक्वेशन का वो क्वाड्रेटिक डिपेंडेंसी है ऑफ जनरलाइज कोऑर्डिनेट, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, यहाँ पर दोनों का स्क्वायर हो रहा ना, अगर ये भी आई हो जाए ये भी आई हो जाए तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ये जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट क्या हो गया, क्वाड्रेटिक डिपेंडेंसी ऑन जनरलाइज कोऑर्डिनेट, फर्स्ट पार्ट इज क्वाड्रेटिक डिपेंडेंट, क्वाड्रेटिक डिपेंडेंट डिपेंडेंट ऑन जनरलाइज कोऑर्डिनेट, जनरलाइज कोऑर्डिनेट। क्वाड्रेटिक का मतलब क्या होता है, आप जो इक्वेशन लिखते हो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, वो वाली जो इक्वेशन होती है वो क्वाड्रेटिक होती है, ए एक्स स्क्वायर वाला जो पार्ट है वो क्वाड्रेटिक है। यहाँ पर भी अगर आई और जे को मैं सेम कर दूँ तो ये क्वाड्रेटिक बन जाए, इवन एक्स वाई दो कोऑर्डिनेट चल गए तो ये भी क्या चल गया, क्वाड्रेटिक, ठीक है। तो यहाँ पर भी सेम कहानी है कि जरूरी नहीं है इस तरह से हमने बात की थी जनरलाइज वेलोसिटी के लिए कि डायमेंशन जरूरी नहीं है कि इसकी डायमेंशन इसकी यूनिट वही हो जो एक्सेलरेशन की है या जो वेलोसिटी की, क्योंकि अलग अलग सिस्टम के अंदर अलग अलग यूनिट्स होंगी। अगर हम ट्रांसलेशन मोशन की बात करेंगे तो वहाँ पर जो एक्सेलरेशन है उसकी यूनिट अलग चलेगी, ट्रांसलेशन मोशन के लिए जो एक्सेलरेशन है उसकी यूनिट होगी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ना मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जबकि जब हम एंगुलर मोशन या रोटेशनल मोशन की बात करेंगे तो वहाँ पर यूनिट और डिस्टेंस अलग चलते। तो इन ट्रांसलेशन मोशन जनरलाइज कोऑर्डिनेट q equals to x, then generalize acceleration क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा q double dot, तो ये हो जाएगा x double dot, और ये क्या हो जाएगा, क्योंकि हम rotational की बात करें और रोटेशनल मोशन के लिए जनरलाइज जो कोऑर्डिनेट हो गया, जनरलाइज कोऑर्डिनेट वो कितना हो गया, वो हो गया q इक्वल्स टू थीटा, हेंस जनरलाइज एक्सेलरेशन जो हो गया वो क्या हो गया, q डबल डॉट इक्वल। तो अकॉर्डिंग टू सिस्टम जो वैल्यू है वो क्या होती जाएगी, चेंज होती जाएगी। इसलिए मैंने आपको शुरू में ही कह दिया था हम क्या नाम लेके चल रहे हैं, ओनली हम जनरलाइज नाम लेंगे। अभी तक हमने तीन चीज़ें डिस्कस कर ली, हमने डिस्कस किया जनरलाइज डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, फिर हमने डिस्कस किया जनरलाइज वेलोसिटी को, फिर हमने डिस्कस किया जनरलाइज एक्सेलरेशन को, अब हम डिस्कस करेंगे जनरलाइज मोमेंटम, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे जनरलाइज फोर्स। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है हमारा वो आता है जनरलाइज मोमेंटम, जनरलाइज्ड नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे किसको, जनरलाइज्ड मोमेंट।
मोमेंटम निकालना है, मोमेंटम के लिए सबसे पहले हमने किस को कंसिडर कर लिया, काइनेटिक एनर्जी एट, तो काइनेटिक एनर्जी है टी, तो टी से शो किया, टी क्या है काइनेटिक एनर्जी, मैं लिख देता हूँ दैट काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी को हमने लिखा टी से, ये इक्वल हो गया हाफ एम वी स्क्वायर, चाहो तो इसको एक्स डॉट स्क्वायर भी लिख सकते हो, चाहो तो इसको वाई डॉट स्क्वायर, जेड डॉट स्क्वायर, और जनरलाइज कोऑर्डिनेट में वी अगर लीनियर ट्रांसलेशन है तो वी हो गया, और अगर जनरलाइज कोऑर्डिनेट में लिखना चाहो तो क्या हो जाएगा क्यू आई, ना क्यू आई डॉट का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा जनरलाइज कोऑर्डिनेट में। पहले मैं आपको फॉर्मूला बना के दिखा रहा हूँ, फिर इसको हम जनरल फॉर्म में लिखेंगे, और एक्स डायरेक्शन, और एक्स डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन के लिए मैंने क्या लिखा टी इक्वल्स टू हाफ एम एक्स डॉट, बात बिल्कुल, इसको मैंने डिफरेंशिएट कर दिया एक्स के रेस्पेक्ट, एक्स डॉट के रेस्पेक्ट, इसको मैं जब डिफरेंशिएट कर दूं एक्स डॉट के रेस्पेक्ट में तो ये बन गया, क्या बनेगा ये बनेगा टू अपॉन टू, ये एम एक्स डॉट ये बनेगा, यहां से ये कैंसिल हो गया, ये जो बन रहा है ये क्या बन रहा है, ये बन रहा है मास इंटू वेलोसिटी, ये जो एक्सप्रेशन बन रहा है ये क्या बन रहा है मास इंटू, मास इनटू वेलोसिटी जो है उसको हम क्या कहते हैं मोमेंटम कहते हैं, ये मोमेंटम आ गया एक्स डायरेक्शन, इन जनरल अगर हम लिखें जनरलाइज कोऑर्डिनेट के फॉर्म, इन जनरल पी जो है जनरलाइज मोमेंटम वो किसके बराबर आ गया dt upon dq dot, ये किसकी वैल्यू हो जाएगी जनरलाइज कोऑर्डिनेट की, और अगर हाँ आई लिख लिया तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा जनरलाइज मोमेंटम आ गया, ये जो आ गया ये क्या आ गया जनरलाइज मोमेंटम, ये किसकी वैल्यू आ गई जनरलाइज मोमेंटम की, जिसको आप क्वेश्चन जब करेंगे तो इसको कैनोनिकल मोमेंटम के नाम से भी आप जानेंगे, समटाइम्स इट इज आल्सो कॉल्ड कैनोनिकल मोमेंटम, कैनोनिकल मोमेंटम मैं कब कहूंगा इसको सुन लो, वो भी कैनोनिकल मोमेंटम एक वर्ड आएगा जब एक इक्वेशन पढ़ोगे आप लैग्रेंजियन इक्वेशन, तो जब x डॉट के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो जो मोमेंटम बनेगा उसको आप कहोगे जनरलाइज कैनोनिकल मोमेंटम, इक्वेशन आएगी आगे जिसको हम कहेंगे लैग्रेंजियन इक्वेशन, उस लैग्रेंजियन इक्वेशन को जब हम जो हमारा पोजिशन कोऑर्डिनेट है यानी कि जनरलाइज कोऑर्डिनेट है उसके रेस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएट करोगे ए, जब ऐसा लिखोगे डेल एल अपॉन डेल क्यू आई डॉट, ये किसके बराबर होगा पी के, उसको हम नाम देंगे जनरलाइज मोमेंटम। अभी ये मैंने लिखा था किसके फॉर्म में, एक्स के फॉर्म में, अब इसको मैं पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में लिखूं तो अब मैं काइनेटिक एनर्जी जो है टी इसको मैं पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में लिख रहा हूं, यानी कि एम आर डॉट स्क्वायर, मैं दो अलग अलग पोजीशंस ले रहा हूं, एक ले रहा हूं आर आई डॉट और एक ले रहा हूं आर जे डॉट, इस आर आई डॉट और आर जे डॉट को मैं ऐसे लिख रहा हूं, एम को लिख लिया आर आई डॉट और इसको लिख लिया आर जे डॉट, और इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करा दिया, ये वेक्टर है और ये भी वेक्टर, इन दोनों का क्या करा दिया डॉट प्रोडक्ट, अब हमारे पास आर आई डॉट की वैल्यू भी है और आर जे डॉट की वैल्यू, राइट, डॉट की वैल्यू हमने क्या निकाली थी वो पीछे देख के आनी पड़ेगी, हमारे पास ये वैल्यू है किसकी आर आई डॉट की, इसको हमने इस फॉर्म में लिखा हुआ था एल आर अपॉन डबल डॉट है ये तो डबल डॉट लिख, और ये वैल्यू ये वाली वैल्यू ये आर आई डॉट की वैल्यू है, आर आई डॉट की वैल्यू क्या है डेल आर अपॉन डेल क्यू आई डॉट प्लस डेल आर अपॉन डेल टी, इस वैल्यू को हम लिखे हैं, आर आई डॉट जो है वो तो मैं क्या लिख लूंगा एल्जेब्रिक समेशन आई इक्वल्स टू वन से एन, ये क्या हो जाएगा डेल आर वेक्टर, डेल आर वेक्टर अपॉन डेल क्यू आई, हो जाएगा डेल क्यू आई, ये हो जाएगा डी क्यू आई डॉट प्लस को हमने लिखा डेल आर अपॉन डेल टी, इसी तरह से हम लिख लेंगे जे में आर जे डॉट क्या हो जाएगा ए इक्वल्स टू वन से लेकर एन तक या एम तक ले लो, और ये हो जाएगा डेल आर डॉट अपॉन डेल क्यू जे, ये क्या हो जाएगा डी क्यू जे और प्लस डेल आर अपॉन डेल टी, ये दोनों हमने लिख लिया, इन दोनों को तो मैं लिख देता हूँ इक्वेशन फर्स्ट, तो लिख देता हूँ इक्वेशन सेकंड,
ये दोनों वैल्यूज जो है इनको अगर मैं यानी कि समीकरण नंबर दो, इक्वेशन नंबर दो को मैं सब्सटीट्यूट कर दूं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, मैं क्या करना चाह रहा हूँ, ये आर आई और आर जे की वैल्यू को मैं यहाँ पर सब्सटीट्यूट करना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पर सब्सटीट्यूट करोगे तो करो क्या बनेगा, तो टी की जो वैल्यू बनेगी वो क्या बनेगी, हाफ एम, और ये लिख दो पूरी वैल्यू, ये बन जाएगा आई इक्वल्स टू वन, ये ऐसा का ऐसा डेल आर आई वैक्टर डेल क्यू आई डॉट, बनेगा डेल क्यू आई डॉट प्लस डेल आर अपॉन डेल टी का जो टर्म बनेगा वो बनेगा ये वाला, अलजेब्रिक समेशन ए की वैल्यू वन से और एम तक, और डेल आर वेक्टर अपॉन डेल क्यू जे और डेल क्यू जे डॉट प्लस डेल आर अपॉन डेल टी, ये वैल्यू बन गई। अब हमें क्या करना है, हमें इसको आपस में मल्टीप्लाई करना है, ये वाला टर्म इससे मल्टीप्लाई होगा, ये एक बार इससे होगा, ये एक बार इससे होगा और ये एक बार इससे होगा, ये सारे एक बार हमें मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे। मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ कुछ बन के आएगा, वो कुछ कुछ जो बन के आएगा वही हमारे काम का होगा। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, मेरे पास जो वैल्यू लिखी आप भी लिख, एम के एलजेब्रिक समेशन आई की वैल्यू वन से और एन तक, वो भी आप एम की जगह एन ही ले लो, ये वाली जो वैल्यू है नहीं ले लो एन, यहाँ से कितना बन जाएगा, ये बनेगा एलजेब्रिक समेशन ए इक्वल्स टू वन ए और एन तक, ये हो गया डेल आर ऑन डेल क्यू आई, पहले ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये वाला ये पूरा पहले ये टर्म इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, टर्म इससे क्या बनेगा, डेल आर अपॉन डेल क्यू आई, दूसरा जो टर्म है वो क्या है, डेल आर वेक्टर अपॉन डेल क्यू जे, फिर क्या लिखा हुआ है, एक लिखा हुआ था डी क्यू आई डॉट डी क्यू जे डॉट, तो मैं उसको लिख रहा हूँ क्यू आई डॉट और क्यू जे डॉट, आप चाहो तो डी क्यू आई और डी क्यू जे डॉट भी लिख सकते हैं, एक बन गया क्यू जे डॉट और एक बन गया क्यू आई डॉट और एक बन गया क्यू जे डॉट, ये बन गया पहला टर्म। फिर दूसरा टर्म क्या बनेगा, अब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, इसको और इसको मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, इस वाली इक्वेशन को इससे मल्टीप्लाई करो डेल आर अपॉन डेल टी से, हाँ क्या बनेगा, ये बनेगा डेल आर अपॉन डेल क्यू आई डेल आर अपॉन डेल टी और ये बन जाएगा क्यू आई डॉट, ये जो क्यू आई डॉट है, ये जो क्यू डे डॉट है, ये जो क्यू आई डॉट है, यहाँ लिख दो क्यू आई डॉट, यहाँ लिख दो क्यू जे डॉट, यहाँ लिख दो क्यू आई डॉट, ऐसे यहाँ ये हो जाएगा क्यू ए, तो ये क्या बनेगा, इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो दूसरा जो टर्म बनेगा, इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इस वाले टर्म को इससे मल्टीप्लाई, क्या बनेगा, एलजेब्रिक समेशन एलजेब्रिक समेशन आई इक्वल्स टू वन से लेके, आई वाला ही है ना ये, वो आई इक्वल्स टू वन से लेकर एन, कौन किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है डेल आर अपॉन डेल क्यू आई डेल आर अपॉन डेल टी और क्यू आई डॉट डेल आर अपॉन डेल क्यू आई फिर डेल आर अपॉन डेल टी क्या आ गया क्यू आई डॉट, ये एक टर्म ये बन गया। इसी तरह से एक टर्म और बन जाएगा, तीसरा टर्म क्या बनेगा, अब ये वाला जो है डेल आर अपॉन डेल टी ये इससे मल्टीप्लाई होगा जे वाले से, अब यहाँ क्या चेंजेस आएंगे, यहाँ आएगा आई की वैल्यू जे की वैल्यू वन से लेकर और एन, ये क्या बनेगा डेल आर अपॉन डेल क्यू, ये क्या होगा डेल आर अपॉन डेल टी और ये क्या बनेगा क्यू जे डॉट, तीसरा टर्म हो गया। और चौथा जो टर्म बनेगा, चौथा वाला टर्म क्या बनेगा, डेल आर अपॉन डेल टी डेल आर अपॉन डेल टी, इसका हो जाएगा स्क्वायर, हो जाएगा डेल टू आर अपॉन डेल टी, तो ये हमारे पास कुल मिलाकर चार टर्म बन गए, इसमें से दो टर्म हैं वो लगभग सेम है, ये वाला जो टर्म है ये वाला टर्म को हमने नाम दे दिया यहाँ पर T2, कि इसमें ये जो टर्म बन रहा है, ये जो इक्वेशन बन रही है ऐसी बन रही है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, चीज ऐसी बन रही है, यहाँ पर ये x स्क्वायर का टर्म बन रहा है, ये दोनों इस मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये x स्क्वायर का टर्म दे रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है, ये बन गया टी, ये दोनों लीनियर बन रहे हैं, देखिए ये भी T1 है, ये भी कौन सा है T1 है, ये वाला जो टर्म है ये कांस्टेंट बन रहा है, क्या बन रहा है कांस्टेंट, इस कांस्टेंट को हमने क्या नाम दे दिया T0, कांस्टेंट को हमने क्या नाम दे दिया T0,
ये जो पूरी इक्वेशन है ये कुछ इस तरह से बनी, टी स्क्वायर प्लस टी वन प्लस टी, जो पहला वाला टर्म है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंस्ट्रक्ट कर रहा है, यानी कि वो क्वाड्रेटिक डिपेंडेंसी शो कर रहा है साइक्लिक कोऑर्डिनेट्स। सेकेंड टर्म जो है वो जनरलाइज वेलोसिटी का टर्म बन रहा है, जो टर्म बन रहा है वो जनरलाइज वेलोसिटी का टर्म बन रहा है, और थर्ड जो टर्म बन रहा है वो डिपेंड नहीं कर रहा जनरलाइज वेलोसिटी। यहाँ पर सेकेंड वाले में जो टी टू लिखा हुआ है में वेलोसिटी का जनरलाइज वेलोसिटी का क्वाड्रेटिक फॉर्म बन रहा है, यहाँ पर जनरलाइज वेलोसिटी का लीनियर फॉर्म बन रहा है, यहाँ पर ये डिपेंड ही नहीं कर रहा है किसके ऊपर, जनरलाइज। जो टोटल काइनेटिक एनर्जी आई है मैं लिख भी देता हूँ, हेयर जनरलाइज काइनेटिक एनर्जी, हेयर हेयर जनरलाइज काइनेटिक एनर्जी हैव थ्री टर्म्स एज थ्री टर्म्स इन विच फर्स्ट टर्म जो लिखा है टी टू क्या कर रहा है, डिपेंड्स क्वाड्रेटिकली ऑन जनरलाइज वेलोसिटी। दूसरा क्या लिखा हुआ है, टी वन डिपेंड कर रहा है जनरलाइज वेलोसिटी पर लीनियरली, डिपेंड्स ऑन जनरलाइज वेलोसिटी। एक टर्म जो बन रहा है वो बन रहा है टी नॉट, not depend on generalized velocity. ये generalized velocity depend नहीं। अब हमने जो बात की थी generalized momentum की, यहाँ पर बात करके आए थे किसकी, generalized momentum की। ये जो generalized momentum आया था ये क्या आया था, del t upon del q i dot, T upon del Q i dot। तो तीसरा वाला टर्म तो वैसे ही जीरो होना है, जीरो क्यों होना है कि वो डिपेंड ही नहीं कर रहा किसके ऊपर, जनरलाइज वेलोसिटी के, कौन डिपेंड कर रहा है, पहले और दूसरे टर्म। हेंस सबसे पहले मैं लिख दूं, वी नो दैट जनरलाइज मोमेंटम है वो किसके बराबर आ गया, वो आ गया पी आई डॉट, ये किसके बराबर आ गया, डेल टी अपॉन डेल क्यू आई डॉट। अब मैं क्या करूँगा, टी टू और टी वन इसको मैं क्यू आई डॉट के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करूँगा, डिफ्रेंशिएट करने के बाद जो मेरे पास इक्वेशन आएगी वो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। आई होप आप ये डिफ्रेंशिएशन जो है अब वो आप डायरेक्ट समझ जाएंगे। क्या लिखा मैंने, मैंने लिखा डेल टी अपॉन डेल क्यू आई डॉट, एक बार टी टू को करोगे तो टी टू करोगे तो क्या बनेगा, 1/2 m, ये तो कॉन्स्टेंट रहेगा। फिर ये i की वैल्यू 1 से लेकर n तक इसमें भी कोई चेंज नहीं, यहाँ j की वैल्यू 1 से लेकर n तक इसमें भी कोई चेंज, हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट, ठीक है, किसके रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, टाइम, तो i डॉट के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दिया मैंने, ठीक है। यहाँ देखो किसके रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दिया, i डॉट के में, इसी तरह से आप j के में बना सकते हो, यहाँ पर इसको लिख लो आप q i डॉट के रेस्पेक्ट में। हाँ, जो T2 का टर्म लिखा हुआ था, T2 का हाँ लिखा हुआ है एक QI डॉट और एक लिखा हुआ है QJ डॉट, तब QI डॉट के रेस्पेक्ट में करोगे तो QI डॉट खत्म, क्या बचेगा, QJ, हाँ क्या बच जाएगा, यहाँ बच जाएगा डेल आर अपॉन डेल क्यू आई बनेगा डेल आर अपॉन डेल क्यू ए, क्योंकि QI डॉट खत्म हो जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा QJ डॉट। एक तो ये बच गया, ये जब आपने पहले वाले को डिफरेंट, जब आप फर्स्ट वाले को डिफरेंशिएट करोगे, यानी कि इन दोनों को, यहाँ पर एक में लिखा हुआ है क्यू आई डॉट और एक में लिखा है क्यू जे डॉट, तो क्यू जे डॉट वाला है वो तो आएगा ही नहीं, क्योंकि डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है, क्यू आई डॉट के रेस्पेक्ट, ये तो काउंट ही नहीं होगा ये वाला, फिर डिफरेंशिएशन हम कर रहे हैं क्यू आई डॉट के रेस्पेक्ट, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर वन बन जाएगा, क्या बनेगा, डेल आर अपॉन डेल क्यू आई, डेल आर अपॉन डेल टी और वन। इसी तरह से आप किसके फॉर्म में बना सकते हो, जे के फॉर्म में, आपके पास इक्वेशन क्या बनेगी,
पास इक्वेशन बनेगी एल्जेब्रिक समेशन आई इक्वल्स टू वन से लेकर एन तक, ये क्या हो गया डेल आर अपॉन डेल क्यू आई, और ये क्या हो गया डेल आर अपॉन डेल टी। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई किसकी, जनरलाइज मोमेंटम की। ये जो इक्वेशन चार है ये किसको रिप्रेजेंट, ये जो इक्वेशन बनी है ये इक्वेशन ये किसको रिप्रेजेंट करेगी, जनरलाइज मोमेंटम। इस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स जनरलाइज मोमेंट। जरूरी नहीं कि मैं इसको आई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूं, चाहो तो इसको क्यू जे के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते, यहाँ पर क्या चेंजेस आते, यहाँ पर आ जाता क्यू आई आ जाता, और यहाँ पर क्या चेंज आता, यहाँ पर वन रहता ना, वो मतलब वो जो आई वाला एक्सप्रेशन है वो खत्म हो। इस तरह से हमने निकाल लिया जनरलाइज मोमेंट। अब इसमें नेक्स्ट आता है जनरलाइज फोर्स। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है इसका वो आता है जनरलाइज फोर्स। जनरलाइज फोर्स अब हमें निकालना है। जनरलाइज फोर्स के लिए हमें चाहिएगा वर्क डन। तो वर्क डन इज डिफाइंड एज, वर्क डन इज डिफाइंड एज, वर्क डन इज डिफाइंड एज डेल डब्ल्यू इक्वल्स टू एफ डॉट डेल आर आई, एफ डॉट डेल आर आई। तो डेल आर आई जो है वो क्या है, हमारे पास उसकी वैल्यू है, उसकी क्या वैल्यू हमारे पास, डेल आर की जो वैल्यू हमारे पास वो क्या है, एल्जेब्रिक समेशन, पेन चेंज कर लेता हूँ, एल्जेब्रिक समेशन आई इक्वल्स टू वन से लेकर एन तक, ये क्या लिखा हुआ था हमने डेल आर वेक्टर अपॉन डेल क्यू, यहाँ क्या बना था डेल क्यू, डेल क्यू आई को हमने क्या बोला था, इसको हमने बोला था जनरलाइज डिस्प्ले। ये वैल्यू को हम यहाँ रखेंगे, यहाँ रखेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा डेल डब्ल्यू इक्वल्स टू एल्जेब्रिक समेशन, एल्जेब्रिक समेशन आई इक्वल्स टू वन से एन, वन से एन, ये एफ इट इज डॉट, ये वैल्यू रखो यहाँ पर, ये क्या बनेगा डेल आर अपॉन डेल क्यू, ये बन जाएगा डेल क्यू। यहाँ तक क्लियर। अब ये बन गया हमारे पास एक्सप्रेशन। अब इस एक्सप्रेशन को हम इन जनरल फॉर्म में लिख रहे हैं। इन जनरल फॉर्म में हम कैसे लिख रहे हैं इसको, मैं ये वाली जो चीज़ है, ये वाली f डॉट डेल आर आई अपॉन डेल क्यू आई, ये वाली जो चीज़ है इसको भी मैं वापस एक बार लिख दूं, एल्जेब्रिक समेशन i इक्वल्स टू वन से लेकर n, f डेल आर अपॉन डेल क्यू आई डॉट, और ये चला गया डेल क्यू। ये तो हो गया जनरलाइज डिस्प्लेसमेंट, हम क्या निकाल रहे हैं, वर्क निकाल रहे हैं ना, ये तो हो गया जनरलाइज डिस्प्ले। ये जो चीज़ है ये क्या हो गई, जनरलाइज डिस्प्ले। जो फोर्स की डेफिनेशन है, वो फोर्स की डेफिनेशन तो ये कहती है भाई कि जो वर्क है वो किसके बराबर है, फोर्स का डॉट प्रोडक्ट है किसके साथ, जनरलाइज डिस्प्ले, या फोर्स का डॉट प्रोडक्ट है डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट तो ये हो गया, तो इसका मतलब ये जो क्वांटिटी बच गई, ये वाली क्वांटिटी जो बच गई, ये क्वांटिटी, ये क्या कहलाएगी, फोर्स कहलाएगी, क्योंकि ये जनरलाइज डिस्प्लेसमेंट है, तो इसको हमने नाम दे दिया जनरलाइज फोर्स। ये जो क्वांटिटी बनी तो हमने क्या नाम दे दिया, जनरलाइज फोर्स। इस जनरलाइज फोर्स को हम लिखते हैं किससे, क्यू से लिखते हैं, क्यू आई की वैल्यू वन से लेकर एन तक, वन से लेकर एन तक, इसको लिख दिया मैंने क्यू आई, ये डॉट प्रोडक्ट हो गया किसके साथ, डेल क्यू, ये कहलाया जनरलाइज फोर्स। जनरलाइज फोर्स की जो हमारे पास वैल्यू आ गई है क्यू आई, वो किसके इक्वल आ गई है, वो आ गई है एफ डेल आर ऑन डेल क्यू, ये आ गया हमारा जनरलाइज फोर्स। जनरलाइज फोर्स की डायमेंशन ठीक वैसे ही जैसे मैंने आपको पहले बताया था, इसकी डायमेंशन अलग अलग कोऑर्डिनेट सिस्टम अलग अलग हो सकती है, यानी कि जब टॉर्क होगा तो इसकी डायमेंशन अलग होगी, तो जब हम लीनियर के लिए लिखेंगे तो इसकी डायमेंशंस यूनिट्स अलग। हेयर मैं यहाँ लिख देता हूँ, हेयर, हेयर मतलब यहाँ पर, इन दोनों की डायमेंशन सेम हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। हेयर जनरलाइज फोर्स, जनरलाइज फोर्स क्यू आई
फ्लूइड एंड जनरलाइज्ड डिस्प्लेसमेंट एंड जनरलाइज्ड डिस्प्लेसमेंट जनरलाइज्ड डेल क्यू आई नीड नॉट टू नीड नॉट हैव हैव dimension of force and displacement force and displacement ये जरूरी नहीं कि इनकी dimension force और displacement की हो, कारण वही है, अलग अलग coordinate system, अलग अलग कहानियाँ, but their product necessarily have dimension of work done, have dimension of work. Okay, but इनका जो product है वो इसके बराबर आना चाहिए work done, यानी कि जो final product आएगा दोनों का वो work के बराबर होना चाहिए, और work की dimension आपको पता है. Translation motion के case में जो generalized force है QI, उसकी dimension किसके बराबर होगी? Force के बराबर. जबकि rotational motion के case में generalized फोर्स जो है उसकी डायमेंशन किसके बराबर होगी? टॉर्क के बराबर. ठीक है, इन द केस ऑफ ट्रांसलेशन मोशन, इन द केस ऑफ ट्रांसलेशन मोशन डायमेंशन ऑफ क्यू आई इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ फोर्स बट इन केस ऑफ रोटेशनल मोशन डायमेंशन ऑफ क्यू आई इज इक्वल टू टॉर्क. ठीक है, तो ये आपका हो गया पूरा कंप्लीट जनरलाइज. जो कोऑर्डिनेट्स पढ़े थे वो रिलेटेड जो क्वेश्चंस बनते हैं कि जनरलाइज डिस्प्लेसमेंट को बताओ, जनरलाइज वेलोसिटी को बताओ, जनरलाइज एक्सेलरेशन को बताओ, जनरलाइज मोमेंटम को बताओ, या फिर जनरलाइज फोर्स को बताओ, इनमें से कोई भी एक आपसे पूछ लिया जाता है. तो आई होप आपको बहुत अच्छे से अब ये समझ में आ गया. तब तक आपके दो लेक्चर कंप्लीट हो गए हैं. आई होप ये दोनों ही लेक्चर आपको बहुत ही अच्छे से आ गए. ओके, इसी तरह से लेक्चर्स को देखते रहिए. आपका जो MSc फिजिक्स का जो ये सब्जेक्ट है क्लास, आइए नेक्स्ट लेक्चर के अंदर. टिल देन थैंक यू.